और आइए अविनाश जी से लेते हैं उनके पसंद के शेयर। अविनाश सर बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग दीपांशु। हमको दो स्टॉक्स पसंद है, इनफैक्ट कंजम्पशन स्पेस में हमको ब्रिटानिया पसंद है अनिल जी। कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमको लग रहा है कि आने वाले दूसरे क्वार्टर में भी काफी दमदार रहेगी। इनफैक्ट काफी समय से ये माना जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम और काफी लोग घर पे रहने के बाद अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ जो बेसिकली बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स का है वो काफी दमदार आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी खरीदना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है और अच्छे खासे वॉल्यूम ग्रोथ के डबल डिजिट में आने की संभावना है सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे करीबन 4,200 का प्राइस हमको लग रहा है कि आने वाले 12 से 15 महीने में होगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो मैंने पहले भी आपके चैनल को कहा है वो है जीएनएफसी। इसके दो कारण है। कंपनी बेसिकली यूरिया और टीडीआई में बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है। अगर हम टीडीआई की बात करें तो हाल ही में एक दो दिन पहले बासफ जो ग्लोबल प्लेयर है टीडीआई का, उन्होंने टीडीआई की कीमतें बढ़ाई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो बेनिफिट होगा वो जीएनएफसी को दूसरे और तीसरे तिमाही में जरूर देखने को मिलेगा। रही बात यूरिया की, तो जैसे सभी लोग जानते हैं अप्रैल से गैस के प्राइसेस करीबन 25% काटने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी कंपनी को अपने मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा आएगा। स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड जरूर है लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है। और साल भर की अगर बात करें तो करीबन 270-275 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये दोनों ही शेयर इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। ओके, जीएनएफसी और ब्रिटानिया दो शेयर्स आपके लिए अविनाश जी की तरफ से जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। जिस तरह से एक्शन बाजार में बढ़ता जा रहा है कई सारे स्टॉक्स फोकस में आएंगे आपके लिए। अविनाश जी, बीपीसीएल पर कोई राय, क्योंकि कंपनी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि डाइवेस्टमेंट प्रोसेस ऑन ट्रैक है, आज बोली लगाने के लिए आखिरी दिन है। अब तक देखा है कि डेडलाइन एक्सटेंशन हो जाती है पर लग रहा है कि शायद आज कुछ बोलियां आ सकती हैं। बीपीसीएल पर क्या व्यू बनेगा डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु आपने सही कहा कि पहले जो एक्सटेंशन हुआ था हो रहा था उसमें मार्केट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद एक्सटेंशन नहीं होगा। और इस लेवल से हमको लग रहा है कि काफी अच्छे यू नो प्रीमियम से लगाई जाएगी। यहाँ पे काफी बड़ी ग्लोबल कंपनीज एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज है जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई यू नो हाई रिस्क है तो इसको इस लेवल से भी खरीदना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन डेफिनेटली हमको लगता है करंट प्राइस से काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर रहेगी। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि डाइवेस्टमेंट का ये पहला एक स्ट्रेटेजिक कैंडिडेट रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक कोई आती है या इवन करंट प्राइस पे इसको खरीदना चाहिए विद इन द ओएमसी पैक, मुझे लग रहा है ये सबसे वेल पोजिशन है। ओके, ये है आपके लिए बीपीसीएल पर राय। अविनाश जी, आपकी कोई राय जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, क्योंकि स्टॉक ने तो रिसेंटली काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है। आज इनकी 1:30 बजे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हालांकि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, पर देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। लगातार ब्रोकरेजेस पॉजिटिव व्यू दे रही है, 650-700 तक के लक्ष्यों की बात करिए, आज भी सीएलएसए का 715 का टारगेट आया, पर क्या स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहां से जिस तरह से गिरावट आई और प्रेशर बना? इनफैक्ट दीपांशु अगर टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक ऐसा प्लेयर है जो मेरे ख्याल से रिलायंस जियो को काफी अच्छी तरह से टक्कर दे सकता है। और एजीआर का मामला अभी अगर देखें तो इन्होंने ऑलरेडी अपना जो 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी पे चुका है, तो इनके कैश फ्लोज कहीं ज्यादा यू नो अगर आइडिया की कंपेरिजन में करें तो काफी अच्छा है। स्टॉक में डेफिनेटली गिरावट जरूर देखने को मिली है लेकिन जो डायनेमिक्स टेलीकॉम मार्केट के है वो अभी भी बरकरार है और ये ड्यूपोली मार्केट ही रहेगा। हमको लग रहा है कि होपफुली यू नो ये जो सितंबर का बाद वाला जो क्वार्टर है वहां पे होपफुली अगर कंपनी टैरिफ्स बढ़ाती है जो उन्होंने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया है तो ये मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। और मुझे लग रहा है कि निचले लेवल से ये बाउंस बैक जरूर होगा क्योंकि इसमें कोई दौरा नहीं है कि डेटा कंजम्पशन और जो वॉइस का जो है इसमें हमको आने वाला साल और अगले साल काफी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि कॉम्पिटिशन हैवी है बट इस लेवल से इन्वेस्टर्स का रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। तो मेरी राय में भी इसको खरीदना चाहिए। प्राइस एक्शन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल जरूर रहेगा लेकिन 6-12 मंथ्स में हमको लग रहा है कि जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। अविनाश जी, जिस पर राय दीजिए, वाटेक वाबाग प्रिफरेंशियल इशू के जरिए 120 करोड़ रुपए जुटाए जिसमें 75 लाख शेयरों को अलॉट करने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और उसमें राकेश झुंझुनवाला जी को भी अलॉट किया। वैसे तो नई बात नहीं है, सबको पहले से पता है, खाली एक फॉर्मेलिटी बोर्ड में मंजूर करने की थी वो कर दिए। स्टॉक पे कोई राय रखते हैं आप 190 रुपए पर? इनफैक्ट अनिल जी, स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है और ये जो फंड रेजिंग हुई है ये डेफिनेटली कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए काफी मदद रहेगी। रही बात जो बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे राकेश जी ने भी इनसे पैसा डाला है तो डेफिनेटली स्टॉक एक्शन में रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत
कंपनी को है वो बेसिकली इनके वर्किंग कैपिटल और जो डेटर से है, काफी लंबे समय के बाद इनको पैसा मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर कम से कम एक दो क्वार्टर यू नो इसमें मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी कि यहाँ पे क्या सुधार होता है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, एमएनसी कंपनी है, तो इसमें जरूर थोड़ा थोड़ा बाइंग करने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़ी रीरेटिंग आएगी वो मेरे ख्याल से एक दो क्वार्टर के बाद आएगी, जब फाइनेंशियल्स में इसका सारा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक है जो आप लंबे समय के लिए थोड़ा सा एक एक्युमुलेशन के लिए जरूर कर सकते हैं। लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करें, ये आपके लिए राय होगी इस वक्त वाटेक वाबाग पर। अविनाश जी, टाटा ग्रुप की कंपनियों पर राय लेना चाहता हूं, जो खबरें आ रही कि वो ये कि वॉलमार्ट टाटा ग्रुप में बड़ा हिस्सा खरीद सकता है, टाटा सुपर ऐप में 20-25 बिलियन डॉलर की बड़ी डील हो सकती है, कहा जा रहा है कि रिटेल स्पेस की अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है, और टाटा ग्रुप के सारे जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही साथ एक ही जगह ऑनलाइन माध्यम से बेचने का प्लान है। टाइटन, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, क्या राय रखते हैं सर आप? आई थिंक ये डेफिनेटली काफी पॉजिटिव न्यूज है अनिल जी, क्योंकि जैसे सभी को पता है अभी जो टाटा सन्स का जो स्टेक साइरस मिस्त्री के साथ है उसका जो पैसा देना है, टाटा शायद इसलिए ये स्ट्रेटेजिक मूव कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसे माना जा रहा था कि शायद टीसीएस जो उनकी पेरेंट कंपनी है वहां पे कोई डाइवेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर ये ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो टाटाज काफी ज्यादा कैश यू नो एक्युमुलेट कर सकते हैं, तो नॉट ओनली इन कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ेगी, लेकिन इनको जो पैसा देना है टाटा सन्स के शेयर साइरस मिस्त्री के लिए, ये काफी मदद रहेगा। तो पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद थोड़ा सा एक यू नो हैंगओवर इस स्टॉक्स में देखने को मिले, लेकिन अगर ये डील फ्रक्टिफाई होती है आने वाले 3 से 4 महीने में, तो आपको अच्छी खासी तेजी यहाँ से भी इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर और जो उनके जो B2C वाले जो बिजनेसेस है वहां पे देखने को मिलेगी। ज्यादातर टाटा कंज्यूमर पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे काफी ब्रांड्स है और काफी अच्छी तरह से यू नो फूड बिजनेस में ये वेल पोजिशन है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको एक अच्छा पॉजिटिव मान के यहाँ पे यू नो सस्टेन्ड राइज इन कंपनीज में देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए टाटा ग्रुप के शेयरों पर आए, यहाँ पर एक्शन भरपूर रहने की संभावना है। अविनाश जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छी खरीदारी है, और कल टुवर्ड्स क्लोज काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स एक्शन में थे। रेमंड पर एक बड़ा उछाल आया, अरविंद लिमिटेड अच्छी तेजी दिखा रहा था, पेज इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों से एक्टिव रहा है, KPR मिल्स में हमने 11% का उछाल देखा। क्या चल रहा है सर इस स्पेस में, सडनली मार्केट का इंटरेस्ट टेक्सटाइल्स की तरफ क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि दीपांशु टेक्सटाइल में ऊपरी लेवल से स्टॉक्स काफी टूटे हैं स्पेशली कोरोना वायरस के बाद, और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, और स्पेशली अगर हम रेमंड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कंपनी काफी अट्रैक्टिवली पोजिशनड है, काफी सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी में है, प्लस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर और तीसरा तिमाही होगा वो पहले क्वार्टर से काफी सिग्निफिकेंट होगा, और ओवरऑल जो डोमेस्टिक स्पेस है वहां पे ये भी खबरें आ रही है कि शायद गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को कोई रिलीफ या और कोई पैकेज अनाउंस करे जिससे इन कंपनीज को फायदा हो, तो मुझे लग रहा है कि गिने चुने जो प्लेयर्स है जो लार्ज है प्लस जिनके पास ज्योग्राफिकल रीच है वो डेफिनेटली अच्छे करेंगे, और उसमें मुझे लग रहा है कि रेमंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, काफी ऊपरी लेवल से टूट चुका है, और हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल रहेगा FY22 वो करंट ईयर से सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी जगह है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कोर बिजनेस है वहां पे कैपेक्स कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी, तो रेमंड पे नजर रखिए, मुझे लग रहा है टेक्सटाइल स्पेस में ये सबसे वेल पोजिशन स्टॉक है। आइए अविनाश जी से भी जान लेते हैं कि उनकी 10 की कमाई की रिकमेंडेशन क्या है, बताएं अविनाश जी। दीपांशु, जो 10 की कमाई है वो एक B2B प्लेयर है और जिसका नाम है MSTC। हमको लग रहा है कि सरकारी स्पेस में ये कंपनी है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी ने कहा है कि जो ट्रेडिंग बिजनेस ये करते हैं स्पेशली स्क्रैप का वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, और ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसे ज्यादा यू नो प्रॉक्सी मिलते नहीं है, और कंपनी की वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे हैं, हमको लग रहा है कि कम से कम अगर साल भर का नजरिया ले तो कम से कम 210-220 का टारगेट पॉसिबल है, और इसको स्लोली एक्युमुलेट करिए, हमको लग रहा है कि FY22 के नतीजे करंट ईयर से काफी बेहतर आएगी, और ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका है एक्युमुलेट करने का। विनाश जी, मार्केट पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है और IPO मार्केट्स में भी इस स्पेस से रिलेटेड काफी एक्शन है, कैम्स की लिस्टिंग होने वाली है, UTI AMC का IPO चल रहा है, किस तरह से इस खबर को देखना चाहिए और इसके बेसिस पर ब्रोकरेज स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करें, AMCs पर ज्यादा फोकस करें, एक्सचेंजेस पर ज्यादा फोकस करें, आपकी क्या राय रहेगी?
मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली ये सारे वैल्यू चेन में जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल को डेफिनेटली काफी फायदा होना चाहिए क्योंकि इनका रिटेल बेस काफी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं इनकी जो इंक्रीमेंटल जो एडिशंस है रिटेल बास्केट के लिए वो काफी अच्छी हो रही है. तो आई थिंक मोतीलाल ओसवाल दीपांशु कैन बी अ गुड बेट. मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है. और दूसरा स्टॉक जो बेसिकली वैल्यू स्टॉक है वो बीएससी है क्योंकि यहाँ पे बहुत वैल्यू अपसाइड के लिए जगह है. हालांकि ये स्टॉक इतना ज्यादा चला नहीं है और ग्रोथ यू नो शेयर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के वैल्यूएशन एनएससी को मिलने वाले होपफुली आईपीओ के बाद उसके कंपैरिजन में बीएससी बहुत ही सस्ता लग रहा है. तो ये दोनों ही स्टॉक्स में मेरे ख्याल से निवेश करना चाहिए और मेरे ख्याल से ये जो रन है दोनों कंपनीज में आपको आने वाले 6 से 12 महीने में कंटिन्यूसली देखने की पॉसिबिलिटी लगे. अविनाश जी भी हमारे साथ है तो अविनाश जी से भी मैं एक बार राय लेना चाहता हूँ. अविनाश जी बीपीसीएल पर क्या है आपकी राय? नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अनिल जी आज की मूवमेंट तो नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये जो डाइवेस्टमेंट का डेट एक्सटेंड हुआ है वो डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको अच्छी वैल्यूएशन मिले और मुझे भी लग रहा है कि करीबन 450-450 का लेवल बीपीसीएल में डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि इनकी एसेट्स बहुत ही बढ़िया है और मुझे लग रहा है कि इनको मार्केट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट प्रीमियम मिलेगा और जैसे ही होगा मुझे लग रहा है अच्छी रेटिंग होगी. बट करीबन 6 से 8 महीने का यू नो टाइम लेके अगर लिखे तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है. तो इसको डेफिनेटली अगर लंबी अवधि के लिए लेना है तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे जरूर थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, लॉन्गर टर्म में जरूर पैसा बनेगा.